So welcome back to again Palkesh Academy Foundation for a Better Future, Easiest Way to Learn Maths. और आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज़ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन देखा जाएगा तो वैसे तो बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता है स्टूडेंट को, बट अगर आप रेगुलरली मेरे लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो वो इंटीग्रेशन भी आपको एकदम ईजी लगने लगेगा. सो हम लोग जो इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं वो ट्वेल्थ और साइंस और कॉमर्स के लिए, दोनों के लिए पढ़ने वाले हैं. तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते रहें ताकि आपको इंटीग्रेशन आ जाए. और इंटीग्रेशन के टाइप करते वक्त हम लोग इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करने वाले हैं बाय टाइप वाइज. तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है टाइप टू, जिसमें हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का यूज़ करके इंटीग्रेशन सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए हैं जो कि आपके सामने है यहाँ पे. सो जो कि एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस है, जो कि हम लोगों ने इंटीग्रेशन साइंस का स्टार्ट कर लिया है. ये हमारा इंटीग्रेशन का सेकंड लेक्चर है. फर्स्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियसली फॉर्मूले प्लस उसके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ अलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर के प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दिए थे. वो था मेरा पहला टाइप. और ये है मेरा सेकेंड टाइप, दैट इज़ यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में अगर आया तो बस आपको ध्यान से देखना है और करना है, फिर उसी फॉर्मूले का यूज़ करके आपको वो क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है. तो अभी वन बाय वन हम लोग शुरू करते हैं. तो पहला जो प्रॉब्लम है मेरा, वो है मेरा पहला प्रॉब्लम, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स. सी, अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आपको उसके लिए मेरा पहला लेक्चर देखना पड़ेगा. सो वो इंटीग्रेशन अगर आप लोगों ने फॉर्मूले देख लिए, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपने याद कर लिए, तो फिर आपको जो ये इंटीग्रेशन है वो बहुत ही इजी जाएगा. तो हमारे पास एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, वो होता है हमारा tan x. सी, डायरेक्टली हमारा tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आता, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो tan स्क्वायर एक्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरह से कि हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई करने मिलेगा. सो कैसे करेंगे? तो बेस्ट वह है जब कभी tan स्क्वायर और sec स्क्वायर एक्स दोनों की बात आती है तो हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. हमारे पास क्या आता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. वो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करेंगे अपन? उस दोनों का एक साथ एक फॉर्मूला है, दैट इज़ फंडामेंटल आइडेंटिटी. क्या है? फंडामेंटल आइडेंटिटी. सो फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या बोलती है हमको? कि हमारा फॉर्मूला होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर एक्स. 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स होता है क्या? sec स्क्वायर एक्स. तो अगर मुझे टैन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए तो ये जो 1 यहाँ पे प्लस में है वो यहाँ पे जाएगा तो क्या आएगा? माइनस हो जाएगा. तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1. सो अभी मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया कि tan स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है? इट इज़ इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1. इट इज़ इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1. तो बस इसका मुझे यहाँ पे यूज़ करना है. तो अब ये इंटीग्रेशन बन जाएगा, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे? tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू लिखेंगे, दैट इज़ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1. सो यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये dx साइड में चल ही रहा था. अब हमें पता है इंटीग्रेशन की क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन और dx दोनों को क्या कर देते हैं? दे देते हैं. तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. अब मुझे बताओ आप कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको आता है क्या? आता है क्या? नहीं आता. तो चलो उसके लिए आपको पहला एक लेक्चर देखना पड़ेगा, पहला प्रीवियस वन. चलो आपने वो लेक्चर्स देख लिया, ये मान के मैं चलता हूँ. तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन देखो, यहाँ पे ही मैंने लिख दिया है. ठीक है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स क्या होता है, दैट इज़ tan x होता है. तो ये हो गया मेरा tan x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो जाता है x. ध्यान रखना इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा? x. ज़ीरो नहीं होगा, डेरिवेटिव 0 होता था. डेरिवेटिव में एक पावर कम होती है,
और इंटीग्रेशन में एक पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सो ये हो गया मेरा x और लास्ट में आ गया मेरा प्लस c। तो ये है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ टैन स्क्वायर x, ठीक है। ये है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ टैन स्क्वायर x, देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना सेकेंड प्रॉब्लम, दैट इज सेकेंड प्रॉब्लम है अपना, ये है हमारा साइन टू एक्स अपॉन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। साइन टू एक्स अपॉन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, आई होप कि ये समझ में आ गया है। अब देखते हैं हम लोग हमारा सेकेंड प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम क्या बोल रहा है हमें, साइन टू एक्स अपॉन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। थोड़ा सोचो, कभी साइन टू एक्स देखा है क्या हमने? हाँ, साइन टू एक्स देखा है, 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने इस तरह के फॉर्मूले की है। तो साइन टू एक्स क्या हो जाता है, साइन टू एक्स का फॉर्मूला आता है अपना 2 sin x cos x, बराबर। देख लो साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या आ जाता है, 2 sin x cos x। अब 2 sin x cos x अगर साइन टू एक्स का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का ही यूज़ करके हम लोग ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करना। तो ये इंटीग्रेशन साइन टू एक्स की जगह पे क्या आएगा, 2 sin x cos x, जो कि मैंने यहाँ की वैल्यू साइन टू एक्स की वैल्यू ये रख दी यहाँ पे, डिवाइड में हो गया मेरा कॉस एक्स, ये डी एक्स। जैसे ही सेम टर्म ऊपर और नीचे मुझे मिलेंगे तो मैं क्या करूँगा, उसको काटूँगा। तो चलो काट देते इसको, ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x dx, बराबर, इजी। अब ये जो 2 है कांस्टेंट है, उसको बाहर ले सकते हैं हम लोग, तो 2 sin x dx हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आता है आपको, ऑब्वियसली फॉर्मूले देखेंगे तो आ ही जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का होता है आपका, इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, और ये हो गया प्लस सी। तो अपना आंसर आने वाला है -2 cos x + c, ठीक है। जब तक फॉर्मूले नहीं आएंगे तब तक हमें इंटीग्रेशन नहीं आएगा। सो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूलेस याद करने हैं, ठीक है। चलो ले लो स्क्रीनशॉट इसका। डन, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तीसरा प्रॉब्लम क्या दिया है अपने को, साइन एक्स है अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है डी एक्स है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स है अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है डी एक्स है, राइट। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, हम इसके लिए इसको इस तरह से अरेंज करेंगे कि हमें कुछ फॉर्मूला मिल जाए। तो चलो अपन ट्राई करते हैं। इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 cos हो गए। तो अब क्या करेंगे, कॉस डिवाइडेड बाय कॉस करेंगे, स्क्वायर मतलब 2 बार इंटू, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया, ये डी एक्स हो गया मेरा। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते, इस पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, साइड में कर लेते हैं, दैट इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू ये 1 अपॉन कॉस एक्स, ये डी एक्स। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाता है टैन एक्स का इंटीग्रेशन इंटू 1 अपॉन कॉस क्या हो जाता है, सेक एक्स डी एक्स। तो क्या ये फॉर्मूला है, याद करो, क्या ये फॉर्मूला है किसी का, अगर है तो अपना इंटीग्रेशन आ गया। सो ये इंटीग्रेशन है टैन एक्स इंटू सेक एक्स, ये एक्चुअली फार्मूला है
इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x का, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x होता है sec x प्लस सी। तो बाय दिस फॉर्मूला इसका आंसर आने वाला है अपना sec x प्लस सी, ठीक है, ये फॉर्मूले से आ गया आंसर, बहुत इजी है, ठीक है, डोंट वरी। अगर फॉर्मूले याद रहेंगे तो आ जाएगा, इससे ज़्यादा कोई भी बड़ी बात नहीं इसमें, इंटीग्रेशन बस नीड अ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो थर्ड प्रॉब्लम भी हो गया अपना फटाक से, हम लोग देखते हैं अब एक फोर्थ वन प्रॉब्लम। चलो अब फोर्थ वन प्रॉब्लम की बारी, कॉस टू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस टू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है, उसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना। अब जो कॉस टू एक्स है उसके ऐसे फॉर्मूलेज ढूंढो जिसमें आपको साइन स्क्वायर मिलता है, दो फॉर्मूले हैं याद रखना, दो फॉर्मूले हैं, कौन से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ट्राई करो, याद करो क्या दो फॉर्मूलेज हैं, नहीं, ठीक है मैं बताता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला है अपना, दैट इज कॉस टू एक्स आता है अपना कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरा फॉर्मूला है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। आप चाहे कोई भी फॉर्मूला यूज़ करो, आंसर तो आने ही वाला है, आपको जो ईजी लगे वो करो। कॉस टू एक्स है नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, तो मैं चाहे ये यूज़ करूँ या ये यूज़ करूँ, चलो ठीक है मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, तो ये वाला फॉर्मूला मैं यूज़ करता हूँ, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया मेरा डी एक्स, ये हो गया मेरा डी एक्स, ठीक है। अब ये वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है, इसको क्या करेंगे अपन, साइन स्क्वायर एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इससे बेनिफिट क्या हो गया, फ़ायदा क्या हो गया, साइन स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर कैंसिल होते ही हमारे पास आ गया है वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू डी एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी डी एक्स दे देते हैं तो इन दोनों का इंटीग्रेशन हो गया। वन अपॉन साइन क्या होता है, वन अपॉन साइन होता है कोसेक, तो ये बन जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टू डी एक्स। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला याद है क्या, बस सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला याद आएगा तो सब कुछ होगा, तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, और टू तो कांस्टेंट है मतलब वन आ गया, वन का इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स प्लस सी, तो ये हो गया तुम्हारा चौथा प्रॉब्लम भी सॉल्व, बहुत ईजी है, ट्राई करें, फॉर्मूला याद करें और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करें, बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है, फॉर्मूले याद करना है। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा और अगर सच में आपको पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है, तो आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मुझे डाउट पूछो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो प्रॉब्लम मुझे सेंड करो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको पोस्ट करते रहूँगा, ठीक है। बस आप, मेरा मोटो है कि आप पढ़ाओ, आप पढ़ाई करो, बस इतना ही, आपको स्टडी करने के लिए जो भी हेल्प लगेगी मेरी, मैं आपको करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, हो गया ये। चलो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सो हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की क्या डिमांड है हमसे और क्या क्वेश्चन दिया है हमको,
चलो क्वेश्चन नंबर फाइव बोल रहा है हमको कि कॉस टू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए हमको। क्या चाहिए हमको? सो कॉस टू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए। अब ये जो कॉस टू एक्स है इसका ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है आपको कि जिसमें साइन स्क्वायर भी होगा और कॉस स्क्वायर भी होगा, साइन स्क्वायर भी होगा और कॉस स्क्वायर भी होगा। किसका फॉर्मूला? कॉस टू एक्स का। जस्ट इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में ही मैंने लिख के दिया था आपको कि कॉस टू एक्स का ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कॉस स्क्वायर भी है और साइन स्क्वायर भी है। तो ये है उसका फॉर्मूला, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला देखो यहाँ पुट करके क्या होता है अपने साथ। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब क्या होगा? अब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे इन दोनों को? साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स दोनों को डिवाइड करके दे देंगे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या होगा? सी कॉस स्क्वायर दोनों सेम है, तो ये कैंसल्ड, ये साइन स्क्वायर कैंसल। यहाँ पे एक डी एक्स दे दो तो इसका अलग इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन डी एक्स दे दो, इन दोनों का अलग से इंटीग्रेशन निकलेगा। अब ये जो है वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो गया और ये जो है वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। तो चलो वन अपॉन साइन क्या होता है, वन अपॉन साइन क्या होता है? अरे अभी बताया था वन अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। वन अपॉन साइन कोसेक, तो वन अपॉन स्क्वायर क्या हो गया? वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स। वन अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा फिर? वन अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। बढ़िया, ओके। सो कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है क्या अपने पास? है, फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस टेन एक्स प्लस सी, ठीक है, प्लस सी। तो ये इसका इंटीग्रेशन भी क्या हो गया? सॉल्व हो गया। है इजी, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए हमको? फॉर्मूले चाहिए। और अगर आपको फॉर्मूलेज आ जाएंगे तो आपको सब आ जाएगा। सो कौन कहता है इंटीग्रेशन डिफ़िकल्ट है? इंटीग्रेशन बहुत इजी है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो, इंटीग्रेशन बहुत इजी है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। लेकिन मोस्ट ऑफ बच्चे एक्सरसाइज बड़ी है, प्रॉब्लम बड़े हैं, इसके लिए इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तभी तो उनको ये डिफ़िकल्ट पड़ता है। तो मैं तो चाहूँगा कि आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करो। अगर मेरे लेक्चर्स आपको डेली मिल रहे हैं तो डेली प्रैक्टिस करो, डेली दो तीन से हम खुद से भी ट्राई करो, देखो इंटीग्रेशन क्यों नहीं आएगा। बस इसको अपना दोस्त बना लो, मैथ्स को अपना दोस्त बना लो, तो आपको मैथ्स आने लगेगा, ठीक है। मैथ्स सिर्फ क्या चाहता है? तो टाइम चाहता है। उसके साथ जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना अच्छा दोस्त वो बनेगा आपका, और फिर आपको वो भी आने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने की, जो कि है इंटीग्रेशन साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स और ये डी एक्स, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे हम? अब हम करेंगे साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन। वो तो मुझे भी पता है इंटीग्रेशन करने वाला है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? हमें साइन एक्स और वन प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। नहीं होगा
तो चलो ट्राई करते हैं, कॉन्जुगेट करके सॉल्व करते हैं, देखते हैं आता है क्या। तो चलो कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या आएगा, तो जो बीच वाला साइन है उसको चेंज कर दो, प्लस है तो क्या करो माइनस कर दो, और उसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो वन अपॉन साइन एक्स से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्या होगा, क्या होगा, तो ये इंटीग्रेशन होगा, ऊपर आ जाएगा साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स, नीचे आएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी जैसा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होगा माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर होगा। चलो यहाँ तक पहुँच गए, इजी। सो वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फंडामेंटल आइडेंटिटी को याद किया जाए, फंडामेंटल आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्री इडियट्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, वन। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सही है, डन। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या होने वाला है, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये भी तो क्या है, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो है, ये भी क्या है, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर आ जाएगा साइन एक्स, वन माइनस साइन एक्स, ये डी एक्स। अब जो ऊपर वाला साइन एक्स है जो ब्रैकेट के बाहर है, तड़प रहा है क्या करने के लिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई होने के लिए, तो कर दो मल्टीप्लाई, मारो मल्टीप्लिकेशन। ये साइन एक्स हो गया यहाँ पे, और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये भी तो भाई साहब कॉस स्क्वायर एक्स दोनों के है, तो वो क्या करेंगे, अपने आप को दोनों तरफ बांट देंगे, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो ये डिनोमिनेटर दोनों को चले जाएगा। तो ये इस तरह से कुछ आएगा, ठीक है। सी साइन एक्स से इंटू किया, साइन एक्स आया, साइन स्क्वायर एक्स आया, और उसके नीचे ये कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड हो गया। तो ये प्रॉब्लम देखो यहाँ पे सॉल्व कर लिया अपन ने, देखो प्रॉब्लम नंबर थ्री है अपना, प्रॉब्लम नंबर थ्री है, देख लो ना, सॉल्व कर चुके हैं यहाँ पे। और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, टैन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। तो दोनों प्रॉब्लम का कॉम्बिनेशन दिया है आपको यहाँ पे, समझ में आया, यही करते हो लोग, एक टाइप के बाद दूसरा टाइप, दूसरे पास तीसरा, ऐसे ऐड कर करके आपको क्या करेंगे, प्रॉब्लम बना बना के देंगे, सिर्फ हमें सॉल्व करना है इसको ठीक से। सो साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है मेरा, इसको अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो ये बनेगा मेरा साइन अपॉन कॉस टैन, और वन अपॉन कॉस बन जाएगा सेक एक्स, ये डी एक्स माइनस ये टैन स्क्वायर एक्स है। टैन स्क्वायर एक्स को सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो उसको कन्वर्ट करते हैं सेक में, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन निकालना है अपने को, और यहाँ पे आ जाएगा टैन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। तो चलो टैन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का आने वाला है टैन एक्स, और वन का आने वाला है इंटीग्रेशन दैट इज एक्स, और जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज होगा, तो ये तुम्हारा आंसर है। तो फाइनल आंसर होगा sec x माइनस टैन एक्स प्लस एक्स प्लस सी, ये तुम्हारा क्या है, फाइनल आंसर है। समझ में आया, एकदम इजी है, अच्छे से करना है, फॉर्मूले याद करना है, विदाउट फॉर्मूला मैच नहीं होता, ये याद कर लो ठीक है, और अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करो, डन। चलो देखते हैं, अभी हमारा फाइनल प्रॉब्लम बचा है, दैट इज़ प्रॉब्लम नंबर सेवन। और प्रॉब्लम नंबर सेवन है अपना सेम इसी की तरह कॉन्जुगेट से ही ट्राई करते हैं, और देखते हैं क्या होने वाला है उसके साथ, और उसको सॉल्व करते हैं ठीक है। तो ये है मेरा प्रॉब्लम नंबर सेवन, क्या आने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स
अपॉन sec x प्लस tan x ये dx। मैंने स्टार्ट में ही बोल दिया है कि ये प्रॉब्लम इसकी तरह है, मतलब कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो इसको सॉल्व करोगे बाय कॉन्जुगेट। कैसे सॉल्व करोगे बाय कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्या होगा tan x अपॉन sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x अपॉन sec x माइनस tan x प्लस dx। अब यहाँ पे tan x, यहाँ पे आ जाएगा sec x माइनस tan x और अपॉन में आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x ये dx। अब इसके आगे tan x sec x को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा tan x इंटू sec x माइनस tan 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 का स्क्वायर x dx। डन, ये क्या होने वाला है, सो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। अगेन मैंने कहा ये थ्री इडियट्स हमें बहुत परेशान करते हैं, तो ये जो थ्री इडियट्स है दैट मीन्स थ्री फंडामेंटल आइडेंटिटी, तो वो क्या करेंगे उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटी के हिसाब से क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया कि 1 प्लस tan स्क्वायर x मेरा sec स्क्वायर x है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। समझ में, ये जो मेरा प्लस tan था वो यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। तो यही वैल्यू मुझे मिल रही है यहाँ पे sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ, तो ये 1 आ गया। तो डिनोमिनेटर 1 आया, मतलब लिखा नहीं लिखा तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें इंटीग्रेशन किसका निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। ठीक है, ओके। नाउ tan x sec x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan x sec x का अभी यहाँ पे भी निकाल चुके हम लोग, क्या आने वाला है sec x आने वाला है। और यहाँ पे सेम प्रॉब्लम हो गया, देखो tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया है दैट इज sec स्क्वायर x माइनस 1 आता है, और उसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है हमारा आंसर आता है tan x माइनस x प्लस c। तो बस सेम आंसर आया, क्वेश्चन में भी डिफरेंट होगा, अगर सिंप्लीफाइड करते तो शायद यही वर्जन आता, फिर इसको अपन सॉल्व करते तो यही आंसर आता। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के 7 प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम सारे समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ रहे और आपको लग रहा है कि मेरा पढ़ाना आपके लिए लाभदायक है नॉट हानिकारक है, सो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश करो, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर्स करूं या तो फिर आपके क्वेरी को सॉल्व करूं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के। ठीक है, तो तब तक के लिए देखते रहिए और कीप शेयरिंग, कीप स्टडिंग। धन्यवाद।